वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स क्या चेहरे के अनचाहे बाल आपको भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं इनको रिमूव करने के लिए फ्रेंड्स आप पार्लर जाकर वैक्सिंग थ्रेडिंग तरह तरह के ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं लेकिन आज जो होम रेमेडी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप अपने अनवॉन्टेड हेयर को दूर कर सकते हैं अपनी स्किन पर होने वाली टेंग को भी दूर कर सकते हैं तो आज की रेमेडी बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है सो पूरी प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए गा तो बिना देरी करती हुए चलिए आइए फटाफट से अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so फ्रेंड्स इस होम रेमेडी को बनाने के लिए मैंने है लिया क्लीन बाउल और उसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे वो है चावल का आटा तो यहाँ मैंने दर दरा जो है चावल का आटा पीस के रखा हुआ है फ्रेंड्स ये कोरियन सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन पर वाइटनिंग एंड लाइटनिंग का भी काम करता है सो so उसके बाद फ्रेंड्स इसमें आधा चम्मच के करीब मैं फिटकरी जो है पीस के अच्छे से पाउडर की फॉर्म में हम इसमें ऐड कर देंगे साथ में फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब कस्तूरी हल्दी यदि आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो किचन हल्दी भी आप चुटकी भर यहाँ यूज़ कर सकते हैं थोड़ा ही करिएगा किचन हल्दी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रंग छोड़ देती है और ये फ्रेंड्स हमारी रंगत को निखारने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें आधा चम्मच के करीब हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी का पाउडर यदि आपके पास साबुत चीनी है तो उसको आप जब इसमें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको घोलना होगा लेकिन पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो ये रेमेडी आपकी झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम एक चम्मच ऐड करेंगे बेसन बेसन यानी कि चने का आटा जो कि हम सभी के घर में ईजिली अवेलेबल होता है फ्रेंड्स ये हमारे अनवांटेड हेयर को बहुत ही आसानी से रिमूव कर देता है इससे बना ये उपटन हमारी स्किन के कलर कॉम्प्लेक्शन को भी बहुत ज़्यादा निखार देता है एंड जो हमारे अनवांटेड हेयर होते हैं उसको भी स्किन से डीपली निकाल के बाहर फेंकता है सो फ्रेंड्स स्किन ड्राई हो उसके लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है कोकोनट ऑयल क्योंकि बेसन हम इस तरीके से अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो रेमेडी ड्राई करेगी हमारी स्किन को तो उसको नॉरिश करने के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए एक स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा कच्चा दूध हम इसमें डालेंगे और सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे तो so फ्रेंड्स ये रेमेडी आपकी स्किन के जो हेयर है उनकी रूट्स पर भी बहुत अच्छे से काम करती है उनकी रूट्स को वीक करती है क्योंकि इस रेमेडी में हमने फिटकरी ऐड किया है साथ ही फ्रेंड्स इसमें हमने दूध का इस्तेमाल किया हल्दी का इस्तेमाल किया जो कि हमारी स्किन को नॉरिश करती है हमारी स्किन को हाइड्रेट देती है एंड बेसन के इस्तेमाल से हमारे अनवॉन्टेड हेयर बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाते हैं ये देसी उपटन घर का बना उपटन आपकी स्किन पर भर भर के रिजल्ट देने वाला है एंड आपकी स्किन पर से हेयर को रिमूव करके आपकी स्किन को काफ़ी स्मूथ एंड सॉफ्ट बना देने वाला है सो so, देख सकते हैं सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है इस रेमेडी को बनाने में खर्चा आपका एकदम ना के बराबर आने वाला है एंड रिजल्ट आपको भर भर के मिलने वाला है तो इस रेमेडी को कैसे ट्राई करें अपनी स्किन पर जैसे कि आपके अनवॉन्टेड हेयर दूर हो जाए ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में करके दिखाने वाली हूं so, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा एंड वीडियो को यहां तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो चलिए फ्रेंड्स यहां मैं आपको अपने हाथ के जो हेयर ग्रोथ है उसे रिमूव करके दिखाने वाली हूँ वैसे तो फ्रेंड्स मैं इस तरीके की रेमेडीज ट्राई करती रहती हूं तो मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई है लेकिन फिर भी मेरे हाथ में थोड़ी सी हेयर ग्रोथ है जिससे मैं आपको रिमूव करके लाइव दिखाने वाली हूँ सो फ्रेंड्स जब आप इस रेमेडी से अपने अनवॉन्टेड हेयर को अपने हाथ पैरों की हेयर ग्रोथ को रिमूव करने जाएंगे तब उससे पहले अपनी स्किन को अच्छे से आप क्लीन कर लीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद ही इस रेमेडी को आप अपनी स्किन पर अच्छे से थिक लेयर के साथ अप्लाई करेंगे थोड़ी थोड़ी रेमेडी लेते हुए आप अपनी स्किन पर इसे एक थिक लेयर के साथ स्प्रेड कर लेंगे तो फ्रेंड्स जिस तरीके से इस रेमेडी रेमेडी को मैंने बनाना बताया है आपको बिल्कुल सेम मेथड से, से रेमेडी को बनाना है एंड जिस तरीके से मैं आपको अप्लाई करना बता रही हूँ उसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे एंड आगे की वीडियो में रिमूव कैसे करेंगे ये सब प्रोसेस आप फुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं सो फ्रेंड्स इस रेमेडी से आप अपने चेहरे के अनचाहें बाल हाथ पैरों की हेयर ग्रोथ को बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं ये रेमेडी आपकी स्किन पर आसानी से चिपक जाती है इसकी स्टिकी पना होने के कारण आपके अनवॉन्टेड हेयर को ये बहुत ही आसानी से रिमूव कर देती है

हो सकता है आपको वन टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट ना मिले लेकिन इस तरीके से आप इस रेमेडी को ट्राई करते रहेंगे वीक में कम से कम दो से तीन बार तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं हल्की रोई को तो वन टाइप के एप्लीकेशन से ही ये रेमेडी रिमूव कर देती है लेकिन यदि आपका बाल बहुत ज्यादा कड़ा हो गया है वैक्सीन वगैरह कराने से आपका बाल बहुत ज्यादा टाइट तीखा हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको इस रेमेडी को बार बार इस्तेमाल करना होगा लेकिन जब आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करते रहेंगे तब आप देखेंगे कि आपके अनवॉन्टेड हेयर भी रिमूव हो जाएंगे और आपकी हेयर ग्रोथ एकदम ना के बराबर हो जाएगी तो so फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरी रेमेडी जो है रब करते हुए मैंने रिमूव कर दी है एंड उसके बाद आप अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा स्किन को एकदम क्लीन कर लेना है ड्राई कर लेना है एंड उसके बाद फ्रेंड्स स्किन को मॉइस्चराइज करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ हमने हेयर्स को रिमूव किया है पोर्स ओपन हो जाते हैं दोबारा हेयर ग्रोथ वापस जल्दी ना आए एंड आपके पोर्स लॉक हो जाए उसके लिए स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ मैं एलोवेरा जेल को अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई करूंगी हल्की सी मसाज करूंगी जिससे कि जो ये जेल है हमारी स्किन 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 में हो हो जाए यदि आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है है रिमूव करने के बाद रेड हो जाती है, तो आप यहाँ फिट करी या फिर आई से भी अपनी स्किन की मसाज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं हेयर रिमूव हो गए हैं सो मुझे तो इस रेमेडी से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं सो आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट का होना से व्यू शेयर करूंगी यदि आपके हेयर्स जो है बाल टाइम से पहले व्हाइट होने लगे हैं आपकी पे बहुत ज्यादा डेंड्रफ की प्रॉब्लम है आपके बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है डल एंड ड्राई हो गए आपका मानसून के सीजन में हेयर फॉल भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है तो है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सा प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं। जो कि स्टेमियो हीना पाउडर ये हीना पाउडर फ्रेंड्स एकदम प्योर नेचुरल है आप इसे अपने हेयर पे लगा सकते हैं इसमें कोई भी एडिशनल फ्रेग्रेंस नहीं है एकदम प्योर है बात करें इसके बेनिफिट्स की तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है आपके बालों को नेचुरल तरीके से डाई करता है जो कि बिल्कुल सेफ साथ ही हेयर फॉल को भी ये रिड्यूस करता है आपके बाल बाल के टेक्सचर को बहुत ज्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट साइनी बनाता है और टाइम से पहले यदि आपके बाल ग्रे होने लगे लग हैं तो उन्हें भी ये ब्लैक करता है आपके हेयर स्कैल्प में से जितना भी एक्सेस ऑयल है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है एंड्रव की समस्या है यदि आपके हेयर्स में तो उसको भी दूर करता है आपके स्कैल्प को इचिंग फ्री बनाता है so, और भी बहुत सारी डिटेल इस बॉक्स पर मेंशन है आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं सो so, साथ ही हीना के साथ यूज किए जाने वाला स्टेमियो इंडिको पाउडर ये भी प्योर एंड नेचुरल है फॉर हेयर नो एडेड आर्टिफिशियल कलर एंड इफेक्ट हीना yes. के साथ फ्रेंड्स आप इस पाउडर को मिक्स करते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा कलर देता है ये इंडिको पाउडर आपके ड्राई एंड डल हेयर में नई शाइन लेके आता है हेयर्स को काफी ज्यादा कंडीशनर करता है इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हेल्प करता है डेंड्रफ को जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में स्केचिंग नहीं होती है आपके ग्रे हेयर को होने से यह रोकता है नेचुरल तरीके से आपके बालों को यह डाई करता है जो कि एकदम सेफ है साथ ही न्यू हेयर ग्रोथ को भी ये प्रमोट करता है आपके हेयर फॉल को काफी ज़्यादा कंट्रोल करता है हेयर को काफी ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है दोनों प्रोडक्ट को आप एक साथ मिक्स करके यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा स्मूथ है जिसकी वजह से आप इन दोनों पाउडर को बहुत ही आसानी से अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं और भी बहुत सारी डिटेल इस कंटेनर में

सब्सक्राइब करके ही जाइएगा तो so, मैं विभा इस वीडियो का यही करती हूँ एंड जल्दी मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय